हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये एक जनरल चैंडर्स कलेक्टर रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, एंड साथ ही साथ मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो आज रात आपके लिए। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन इनफोर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, हिडन फीलिंग्स क्या हैं उस पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटाकल्स, ओके, फाइव ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके, दिस इज द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके जोडियक साइन चौरस वर्गो कैप्रिकॉन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सजिटेरियस, यानी सारे जोडियक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। सभी जोडियक साइंस के लिए ये रीडिंग होने वाली है। अब यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो आप देख रहे हो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ सोर्ड्स है, नाइन ऑफ वैंड विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ग्रेट, जहां तक कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज जो यहाँ पर रीड हो रही है इज लाइक किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को ना, ये पर्सन बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। मतलब इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा प्राइड है, बहुत घमंडी है ये पर्सन। मतलब इस एनर्जी में है जहां पर ये पूरे तरीके से अपने घमंड में ना एकदम, जैसे कहते हैं ना कि चूर चूर हो जाना, ये उस तरीके की एनर्जी में आपके पार्टनर है। इन्होंने अपने आप को हमेशा ही हाई रिगार्ड्स में देखा है, अपने आप को हमेशा ही ये स्पेशल मानते हुए आए हैं। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं मतलब आप और आपने हमेशा इन्हें प्यार दिया है, आपने इन्हें केयर करी है, आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है। और ये पर्सन आपके प्यार को हमेशा यही समझते आए हैं कि इनके लिए तो कोई भी पर्सन सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये है ही इतने स्पेशल। क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में बहुत ही स्पेशल मानते हैं। मे बी ये पर्सन हाई स्टेटस के पर्सन हो सकते हैं, ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जिस वजह से इनका माइंडसेट ऐसा है जहां पर ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल और महान, जिसे कहा जाता है ना, वो समझते आए हैं। और इन्होंने अपनी इस ईगो में, इन्होंने अपने इस प्राइड में आपका बहुत बार दिल तोड़ा है। मैं यहाँ पर देख रही हूं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ टॉक्सिक हो गए थे, नार्सिस्ट रहे थे। ये पर्सन अपनी ही गलतियों को कभी भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, अपनी गलतियों का ब्लेम, अपनी गलतियों का दोष इन्होंने हमेशा आपको दिया है। ये पर्सन उस एनर्जी के हैं। ये पर्सन जो है अपने बारे में, मतलब इनका ऐसी एनर्जी है जहां पर अपने आप की वैल्यू इनकी नजर में बहुत हाई है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। ओके, बट इस सेल्फ रिस्पेक्ट में, इस घमंड में ये पर्सन एक नार्सिस्ट कब बन गए, टॉक्सिक कब हो गए इस रिलेशनशिप में, इन्हें खुद जैसे पता नहीं चला। ओके, एंड आप फिर भी इनके टॉक्सिक बिहेवियर को, आप फिर भी इनके नार्सिस्ट बिहेवियर को सहते रहे, आपने बहुत सैक्रिफाइस करे हैं इस पर्सन के लिए। और ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ आपने इसलिए सही इस पर्सन के लिए क्योंकि आप इनसे बहुत ही प्यार करते थे, आपने इन्हें बहुत ही प्यार दिया है, बहुत केयर आपने इस पर्सन को दी है। अब यहां पर क्या है ना, ये पर्सन को ये चीज अब समझ में आ रही है, इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि शायद आज ये जिस सिचुएशन में है,
आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, आप लोगों की एक दूसरे से या तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, मिनिमल कॉन्टैक्ट हो सकता है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में हो सकती है। जो भी सिचुएशन में इस समय आपका रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर अपने आप को अब उन चीजों का जिम्मेदार मानते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर भी आप फाइव ऑफ कप की एनर्जी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये पर्सन अपने आप को ही दोष दे रहे हैं, इन्हें खुद अपने आप को ये दोष दे रहे हैं कि आज ये रिलेशनशिप जिस भी सिचुएशन में है ये सिर्फ और सिर्फ इनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, इनके नार्सिस्ट बिहेवियर की वजह से रहा है। ओके, जो चीज इनको आपके साथ रहते हुए रियलाइज नहीं हुई ना, वो चीज इनको अब आपसे दूर होकर रियलाइज हो रही है। ओके, जो चीज आपकी कहते हैं ना, जो चीज आपकी प्रेजेंस रियलाइज नहीं करवा पाई ना, आज आपकी एब्सेंस वो चीज आपके पार्टनर को रियलाइज करवा रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी थिंकिंग, ये पर्सन को भी ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि आप इनके लिए कुछ अच्छा तो नहीं सोचते हो, है ना। आपकी नजर में इस पर्सन की इमेज बिल्कुल खराब है, आपकी नजर में ये पर्सन एक चीटर हो सकते हैं, आपकी नजर में ये पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाया है, अपने मतलब के लिए आपका फायदा उठाया है। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके लिए अच्छा तो नहीं सोचते हो, है ना, ये इतना गलत आपके साथ करके गए हैं, इतना गलत बिहेवियर इस पर्सन ने आपको आपको दिखाया है, राइट। तो बिल्कुल आप इनके लिए कुछ अच्छा तो नहीं सोचते, और ये पर्सन भी ये चीज जानते हैं कि आपके दिल में इनको लेकर नफरत है, या आपके दिल में इनको लेकर गलत फहमियां बहुत हैं, या आप इनके लिए, आपकी नजर में जो इनकी इमेज खराब हो गई है ना, तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि अब आप इनके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहोगे, आप फिर से इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, ना ही आप इनको एक और मौका देना चाहोगे। ओके, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि शायद सिर्फ यही है जो आपके बारे में सोचते रहते हैं, और अब आप इनके बारे में सोचते भी नहीं हो, अब आप इनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहते हो। तो ये पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि अब शायद जो ये प्यार है आप दोनों के बीच में वो एक तरफा रह गया है, यानी ये प्यार सिर्फ उनकी तरफ से रह गया है, आपको अब इनमें इंटरेस्ट भी नहीं है, आप अब इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। तो ये चीज आपके पार्टनर आपको लेकर सोचते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, ठीक है, जो भी इन्होंने बिहेवियर आपके साथ रखे हैं, देखो इन्होंने गलत करा है आपके साथ, इतना कुछ गलत करने के बाद इनको भी मालूम है कि आप फिर से इन पर जल्दी से भरोसा तो नहीं करने वाले हो, और आपका भरोसा जीतने के लिए इनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सिर्फ बहुत ही नहीं बल्कि बहुत एफर्ट्स इनको डालने पड़ेंगे आपके भरोसे को फिर से जीतने के लिए। तो ये चीज तो आपके पार्टनर को पूरे तरीके से मालूम है, और ये पर्सन मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन अपने आप को ही तैयार कर रहे हैं कि ये अब एफर्ट्स डालें, इनिशिएटिव लें, ठीक है। ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, यानी ये पर्सन के दिल में जो भी चीज आपको लेकर है, ये पर्सन वो चीजें आपके सामने रखना चाहते हैं इस पर्सन के। और ये कहीं ना अभी तक ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज्ड थे, यानी अभी तक क्या थी इनकी एनर्जी में ना, आप भी यहाँ पर देखो एक फ्लक्चुएशन थी इनकी एनर्जी में, जिस वजह से ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से इनको सही गलत का रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, जिस वजह से इनको आपके प्यार या आपके प्यार को भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। ओके, बट अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे इस पर्सन की एनर्जी बैलेंस हो रही है, जैसे जैसे इस पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन होती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे इस पर्सन की एनर्जी बैलेंस हो रही है, वैसे वैसे इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनकी सोल क्या चाहती है, इनका दिल क्या चाहता है, ये उन चीजों को अब सही तरीके से समझ पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो यही कह रही है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि ये अब सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि इनकी इनर सेल्फ, इनकी इनर फीलिंग्स, इनकी सोल इन्हें क्या कहना चाहती है। ओके, सो मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत जल्दी क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, ये थोड़ा अपना समय ले रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, ठीक है, और ये एक डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी में भी है जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं, वो पर्सन क्या फील कर रहे हैं, वो पर्सन वापस आना चाहते हैं, किस इंटेंशन से वो पर्सन वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी है कंडीशनिंग की, एग्जॉशन की,
टोटैलिटी, ओके सो देयर आर फोर कार्ड्स, सप्रेशन इज देयर, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पॉलिटिक्स, प्रोजेक्शन एंड कॉन्शियसनेस. देखो इस पर्सन को ना आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर करी है, बहुत लव आपने इस पर्सन को दिया है, ठीक है. आई होप सो माई माइक इज फाइन एंड ओके. सो इस पर्सन को आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर आपने इस पर्सन की दी है, और आज वही प्यार वही केयर इनको आपकी तरफ खींच के लेकर आ रहा है. इनको ना आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, इनको लिटरली महसूस हो रहा है जो आप इनके साथ नहीं होना, इनकी लाइफ बिल्कुल खाली खाली सी हो गई है. एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस की फीलिंग ये पर्सन बहुत ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं. तो इनको जो आपकी तरफ खींच कर ला रहा है ना वो है आपका प्यार. क्योंकि ये पर्सन को ना ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि इनके लाइफ में हो सकता है सब कुछ है, एवरीथिंग, मतलब अच्छे फाइनेंसेस हैं, लग्जरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपनी लाइफ में ना सेटिस्फाइड नहीं है. और इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि ये सेटिस्फैक्शन उनको तभी मिल सकती है जब जब वो आपके पास आए या जब उन्हें आपसे प्यार मिले, ठीक है. ये आपका प्यार चाहते हैं, ये चाहे किसी भी सिचुएशन में है. मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, हो सकता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में हो सकती है. सबके साथ नहीं है कि ये चीज रेजोनेट करे, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर थर्ड पार्टी उनका कोई फैमिली मेंबर, कोई उनका फ्रेंड भी हो सकता है. लेकिन जो फिर भी इनको आपकी याद दिला रही है चीज, जो फिर भी इनको आपकी तरफ खींच कर ला रही है ना, वो कुछ और नहीं है, वो है आपका प्यार. आपने इन्हें हमेशा बहुत प्यार दिया है और इन्हें आज उसी प्यार की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है. ये आपसे वो प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते. इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, इनका लव बहुत प्योर है, और अब ये चाहते हैं आपसे तो सिर्फ और सिर्फ वो प्यार ही चाहते हैं. यहाँ पर भी आप देखो ये फंसे पड़े. मुझे यहाँ पर भी आप इस कार्ड को देखोगे ना, कंडीशनिंग की एनर्जी दो चीजें दिखाती है. पहली चीज दिखाती है अट्रैक्शन, यानी ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है. ये डेविल की ही एनर्जी होती है और ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है. सेकेंड ये चीज मुझे दिखा रही है इनकी मजबूरियां. अब इनकी मजबूरियां किस तरीके की हैं वो हम देखते हैं. तो इट इज एग्जॉशन विद टोटैलिटी विद सप्रेशन. देखो एग्जॉशन, सप्रेशन एंड टोटैलिटी. अब यहां पर जो चीज आपके साथ देखो रेजोनेट करें आप उसे रखें. जरूरी नहीं है कि ये चीज सबके साथ रेजोनेट हो सकता है बहुत मिनिमल लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट होगी. बट यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे पड़े हैं. थर्ड पार्टी के इतनी कंट्रोलिंग है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये इस कदर फंसे हुए हैं कि वहां पर ये रहना तो नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेकिन फिर भी इनको उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना पड़ रहा. उसकी मजबूरी कुछ भी हो सकती है. उसकी मजबूरी हो सकती है कि थर्ड पार्टी से ये बाउंडेड है, कमिटमेंट हो चुकी है, मैरिड हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है. इनका फैमिली मेंबर हो सकता है जो कि उनको बहुत ज्यादा इमोशनल कर वहां पर रोके हुए हैं. पर ये थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ये पर्सन, ये व्यक्ति आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं. इनके थॉट प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, और ये जल्द से जल्द इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से ना बाहर निकल जाना चाहते हैं. ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं. थर्ड पार्टी में साथ रहकर ना इनको एक सफोकेशन होता है, इनको एग्जॉशन फील होता है, ठीक है. ये बहुत ज्यादा, मतलब एक होता ना कि बहुत ज्यादा सफोकेटेड, जैसे ये बिल्कुल फंस गए हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ इनके हाथ में ही जैसे ना हो, तो ये उस तरीके से महसूस कर रहे हैं. तो अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये बहुत जल्दी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे. कोई ना कोई सोल्यूशन ये पर्सन फाइंड करेंगे, ठीक है. एंड उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर ये पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे. तो अभी अगर इनकी एनर्जी देखी जाए तो ये थोड़ा वक्त ले सकते हैं, थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर जरूर आएंगे. मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी देख रही हूँ जहां पर बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस कर दिया है. ये पर्सन को ना मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को जो इनके दिल में है ना आपके लिए, उसे दबाए जा रहे हैं. उस प्यार को ये ना अभी तक कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस प्यार को. लेकिन अब इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये उस सेपरेशन की एनर्जी से भी बाहर आ रहे हैं, ओके. और इनके दिल में जो आपको लेकर प्यार है वो उस प्यार को रियलाइज कर पा रहे हैं, उस प्यार की अवेकनिंग इनको हो रही है.
और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। मैं इनकी एनर्जी ऐसी भी देख रही हूँ जहां पर ये बहुत ज्यादा पास्ट की बातें याद कर रहे हैं, पास्ट में जो समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, पास्ट में जो एक दूसरे के साथ आप रहे हो, ये उन चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ओके, ये पास्ट में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गए थे, प्रैक्टिकल थे, बहुत ज्यादा मैंने कहा ना इगोइस्टिक थे, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने उन पास्ट की बातों को याद कर ये खुद ही परेशान हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये इतने ज्यादा नार्सिस्ट या इतने ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे कि इनके साथ कोई पर्सन कैसे ही रह लेगा, लेकिन फिर भी आपने इनके साथ मतलब रहे, आप फिर भी आपने इनकी हर अच्छी चीज हर बुरी चीज को आपने कहीं ना कहीं सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। आप इनसे प्यार तो करते हो लेकिन आप इन्हें बदलना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ठीक है ये पर्सन जैसा है जो है आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो, लेकिन इन्होंने ना हमेशा आपको बदलने की कोशिश करी है, इन्होंने हमेशा आपको चेंज करने की कोशिश करी है, हमेशा आप में कमियां ढूंढना, हमेशा आप में कंप्लेंट्स ढूंढना, कंप्लेंट्स करना, हमेशा बेवजह की लड़ाइयां करना, और लड़ाई की कहीं ना कहीं रीजन ये खुद ही ढूंढते थे, है ना। तो यहां पर क्या है ना, ये पर्सन आपको बदलने की कोशिश करते थे लेकिन आपने कभी भी इनको बदलकर इनसे प्यार नहीं करना चाहा, ये जो थे जैसे थे आप इन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते थे। और यहाँ पर प्रोजेक्शन की एनर्जी भी इस चीज को दिखा रही है। देखो यहाँ पर ना इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ऐसा भी होता है आप दोनों के बीच में, इट्स अ बॉन्ड, आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्पेसिफिक बॉन्ड है। ओके, और कई बार जैसा आप फील करते हो ना सेम टाइम पर सेम मोमेंट पर वैसे आपके पार्टनर भी फील करते होंगे, ये चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। प्रोजेक्शन की एनर्जी इसी चीज को तो दिखा रही है कि जैसा आप जिस समय पर आप जैसा फील करते हो, जिस समय आपको उन पर बहुत प्यार आता है या बहुत बहुत याद कर रहे होते हो, आप बहुत मिस कर रहे होते हो, सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी होती है। तो यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होते हुए मैं देख रही हूँ, यानी आप दोनों की एनर्जीज मैच भी करती है, ठीक है। ये उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज आपस में मैच कर जाती है। ओके, बट यस, जितना आप उन्हें याद करते हो, जितना आप उन्हें मिस करते हो, वो उतना ही याद आपको करते हैं, उतना ही मिस आपको करते हैं, उतना ही प्यार उनका है आपके लिए। ओके, चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के फीलिंग्स थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए आज रात क्या है। So this is Eight of Pentacles. Next we have is Empress. Guys, almost सारे zodiac signs आ चुके हैं, ठीक है ना। तो King of Cups की energy भी यहाँ पर है, Knight of Swords की energy है यहाँ पर, Four of Pentacles, Six of Cups, Nine of Pentacles and bottom में we have Four of Wands. Great. ये भी person की energy में देख रही हूँ जहां पर ये person भी अब आपके साथ एक long term connection चाहते हैं, हमेशा आपके साथ जीना चाहते हैं, end तक, end of life तक ये person जैसे आपके साथ जीना चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं लाइक फोर ऑफ सोच की एनर्जी, फोर ऑफ वैंड की एनर्जी सॉरी, इस चीज को ये डिफाइन कर रही है कि इन्हें भी आपके साथ अब शादी करनी है, आपको कमिटमेंट देना है, आपसे आपको एश्योरेंस देना है। अब क्या है ना, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट रिलीजन स्टेटस को लेकर हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन अब इनके लिए ये डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं। ये जो भी डिफरेंसेस अभी तक वजह बने हैं ना, अगर आप दोनों के सेपरेशन की, यानी अगर डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो, इन डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि इन डिफरेंसेस को इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करने वाली, इनकी मदर इनके फादर एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो अगर डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो, तो अब मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर जो ये डिफरेंसेस हैं, ये उन डिफरेंसेस को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इन डिफरेंसेस को अब वजह नहीं मान रहे हैं, बल्कि इन डिफरेंसेस को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, इनकी एनर्जी ऐसी है या आप अब आपके लिए बहुत प्यार फील करने लगे हैं, इनको लगता है कि इन डिफरेंसेस के साथ मतलब या तो कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन डिफरेंसेस को जो है छुपाया जा सके, या इन डिफरेंसेस को किसी को बताया ही ना जा सके, ठीक है। लाइक अगर कुछ ऐसा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, ठीक है, सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी,
है ना, तो वो चाहते हैं कि उस चीज को हाइड ही कर दिया जाए, उस चीज को ना छुपाया ही छुपा दिया जाए। तो ये पर्सन जो है, जो अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है ना, तो ये पर्सन उन डिफरेंसेस को छुपा देना चाहते हैं, उन डिफरेंसेस को हाइड कर देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब उन डिफरेंसेस को एक बहुत बड़ा मैटर जो इन्होंने अभी तक बना दिया था कि भाई हमारे बीच में तो बहुत डिफरेंसेस हैं, हमारी शादी नहीं हो सकती है, हमारा फ्यूचर नहीं है, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो अब इन चीजों से आपके पार्टनर हटकर सोचना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, ये पर्सन अब अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, अभी तक ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, लेकिन अब ये व्यक्ति, अब ये पर्सन अपने दिल को फॉलो कर आपके पास आगे आना चाहते हैं, ठीक है। और इनका दिल आपको जैसे एक्सेप्ट कर चुका है, अपना मान चुका है, ओके, ये उस एनर्जी में आ चुके हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है, यानी अगर कोई पर्सन अभी तक इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, जो भी थर्ड पार्टी थी, फैमिली मेंबर था, मदर थी, सिस्टर थी, ब्रदर थे या फादर थे, ठीक है। यहाँ पर फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज आई हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और थर्ड पार्टी उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रही थी, इस रिश्ते के अगेंस्ट उनको भड़काने की कोशिश कर रही थी, इस रिश्ते के अगेंस्ट उनको करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा था, उनके इन्फ्लुएंस में आ गए थे आपके पार्टनर, उनको लिटरली ये चीज फील होने लग गई थी कि अब तो इस रिश्ते का फ्यूचर सच में हो ही नहीं सकता, ठीक है। शायद ये एक रीजन बना था आप दोनों के ब्रेकअप का, आप दोनों के सेपरेशन का, और आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात बंद कर दी, क्योंकि उन्हें भी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था, उन्हें भी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, ओके। बट अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी ये रास्ता अपनाया है ना, वो गलत था, यानी आपसे यूं ही बात बंद कर देना, आपको क्लैरिटी नहीं देना, ठीक है, और आपको कोई प्रैक्टिकल रीजन नहीं देना, ठीक है, ब्रेकअप का, अगर ब्रेकअप करके वो खुद गए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहां पर ब्रेकअप उनकी तरफ से हुआ है, मूव ऑन उन्होंने करा है आपसे, ठीक है, तो जो भी उन्हें लग रहा है कि जो भी उन्होंने ये रास्ता चुना था पास्ट में वो गलत था, उस चीज को लेकर गिल्ट भी इस पर्सन को होता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं और इन्हें ऐसा भी लगता है कि अब इतना कुछ गलत करने के बाद, ये बहुत गलत आपके साथ करके गए हैं, तो आप कैसे इन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लोगे, आप कैसे इन पर फिर से भरोसा करोगे, है ना। तो ये व्यक्ति अब आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि अब आपका भरोसा जीता जाए, और जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज आए हैं, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए हैं, उन इश्यूज को रिजोल्व करा जा सके। यहाँ पर आपका रिश्ता बहुत पुराना है, ठीक है, कोई मतलब यहाँ पर जहां तक कि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, ये कोई एक दो दिन पुराना रिश्ता नहीं है, ना ही एक दो हफ्ते पुराना रिश्ता है, ये उससे भी गहरा रिश्ता आप दोनों का है, ठीक है। तो काफी गहरा रिश्ता आप दोनों का मैं देख रही हूँ, मतलब काफी डीप है, ज्यादातर लोगों की एनर्जी ऐसी है जहां पर आपका रिश्ता बहुत डीप है। आई डोंट नो, अभी अभी मेरे माइंड में एक लेटर आ रहा है, इनिशियल, दैट इज एम, हो सकता है आपका नाम एम से है, टी से है, एफ से है, एफ से यानी कि हो सकता है कोई निक नेम भी हो सकता है आप लोगों का, एंड डी अल्फाबेट भी बहुत ज्यादा मेरे माइंड में आ रहा है, एच अल्फाबेट भी बहुत ज्यादा मेरे माइंड में आ रहा है, आई डोंट नो, आज बहुत ज्यादा ये अल्फाबेट्स मेरे माइंड में रिफ्लेक्ट हुए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट फिलहाल मेरे माइंड में ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, बहुत गहरा, बहुत डीप कनेक्शन आप दोनों का है, और अब ये पर्सन अपने आप को ना चेंज करना चाहते हैं, ये पर्सन अपने अंदर एक सुधार लेकर आना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि ये एक बदलाव लेकर आए, और आप इनके अंदर वो बदलाव अब देखोगे, ठीक है। एनर्जेटिकली ये पर्सन अब चेंज होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है, सिर्फ ये कहेंगे नहीं, ठीक है, हो सकता है ये कहें भी ना आपसे, बट इनके अंदर का जो चेंज होगा ना, आप उसे नोटिस कर पाओगे, आप उसे देख पाओगे, क्योंकि आई कैन सी ये एनर्जेटिकली चेंज हो रहे हैं, इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, इनका माइंड सेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो आपको रिफ्लेक्ट होगा इनके एक्शंस और बिहेवियर में, ठीक है। ये एनर्जेटिकली जो चेंज इनके अंदर आएगा ना, ये आपको उनके एक्शंस और बिहेवियर में रिफ्लेक्ट जरूर होगा, ओके। चलिए और भी चेक आउट करते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज फाइव ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोड्स, ग्रेट, किंग ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोड्स, टावर, डेविल, ओके,
देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वैंड. ओके, ये खुद चल के वापस आएंगे, आपको इन्हें अपना टाइम देना होगा. कई काफी लोग हैं जो मुझे कमेंट में पूछते हैं मैम कब होगा हमारा रियूनियन, कब होगा. आज भी मैं आपके कमेंट्स पूछ रही थी. देखो, तो आपका जवाब सिर्फ यही है कि आपके डिवाइन टाइमिंग पर रियूनियन होगा. यहां पर जो मुझे टाइम पीरियड आज नजर आ रहा है, इट इज 9, यानी 9 डेज के अंदर भी हो सकता है, 9 वीक्स के अंदर भी हो सकता है, या 9th मंथ यानी सितंबर के अंदर भी आपका रियूनियन हो सकता है. तो ये आज के नंबर्स हैं जो मुझे नजर आए हैं, दैट इज 9. बट काफी लोगों का अगर रियूनियन इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं भी होता है तो भी आपको ये जानने की जरूरत है कि ये जो रियूनियन है ये आपके डिवाइन टाइमिंग पर होता है, और हर किसी का डिवाइन टाइमिंग, हर किसी का राइट टाइमिंग अलग अलग है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये टाइम पीरियड आपसे मैच करें ही. गॉट इट. चलो, अब यहां पर ये खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक आने का. यहां पर मैं देख रही हूं आप दोनों ही दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मैस्कुलिन फेमिनाइन, सॉरी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, यानी आप मेल हो फीमेल हो या आपके पार्टनर मेल और फीमेल है, आप दोनों के थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स हैं, मिस करते हो एक दूसरे को, एक दूसरे को आज भी बहुत याद करते हो, लेकिन आप दोनों जैसे अपने इमोशंस एक दूसरे को नहीं दिखा रहे हो, अपने इमोशंस को आप दोनों ने ही हाइड कर रखा है. यानी अगर आपके पार्टनर भी आपको इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं और आप भी उन्हें इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप टिट फॉर टैट कर रहे हो. यानी अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने भी उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करा है. आप भी उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप भी उन्हें फील करवाना चाहते हो कि अगर जिस शख्स से आप बहुत प्यार करते हो और वो आपसे बात ना करें, वो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस की कदर ना करें, तो कैसा महसूस होता है. तो आप भी कहीं ना कहीं सेम एनर्जी में डालकर उस पर्सन को ये रियलाइज करवा देना चाहते हो कि गलत क्या होता है, उस वो हर्ट ब्रेक की फीलिंग क्या होती है. यहां पर मैं ये भी देख रही हूं आपने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ पोस्ट डाल रहे हो. यानी अगर आप फीमेल हो तो आप किसी मेल के साथ पोस्ट डाल रहे हो, या आप मेल हो तो किसी फीमेल के साथ आप पोस्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने पार्टनर को इनसिक्योर कर सको, पोजेसिव कर सको, और इस चीज का फर्क आपके पार्टनर पर पड़ रहा है. अब एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं. फेक आईडी बनाकर आपको चाहे स्टॉक करें, बट ये पर्सन स्टॉक करते हैं. इनकी स्टॉकिंग का रीजन इतना है क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आप किन से मिल रहे हो, आपके एनर्जीज क्या है. तो ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको स्टॉक करते हैं. यहां पर भी अगर आप एनर्जी देखो तो आज बहुत ज्यादा ये इस पल को कोस रहे हैं जब आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था, जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था. ये पर्सन आपके पास वापस आने के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. यहां पर भी आप एनर्जी देखोगे ना तो ये पर्सन आपके पास आने के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. गॉट इट. ये कोई करेक्ट, कोई राइट डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, अगर पास्ट में जो डिसीजन लिया था उस डिसीजन को ये सही कर सकते हैं. यानी ये पर्सन कोई एक्शन, कोई स्टेप भी आपकी इनकी तरफ से अब देखने वाले हो, वो भी बहुत जल्दी. गॉट इट. चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें. ओप्स, आपके सपने देख रहे हैं ये पर्सन. जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे ही सपने देखता हूं. अपनी रियल साइड ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं, रियल फीलिंग्स, रियल साइड ये आपको दिखाना चाहते हैं. आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट, अधूरे पड़ चुके हैं ये पर्सन. ये आपको कैसे एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो, कितने स्पेशल हो इनके लिए. ये चाहते हैं आप वापस आ जाओ, इन्हें माफ कर दो, इन्हें एक और मौका दो, ये आपसे एक और मौका चाहते हैं. इन्होंने कभी किसी को इतना मिस नहीं करा जितना ये आपको मिस करने लगे हैं. क्या आप इन्हें सच में अब एक्सेप्ट करोगे, इस चीज का डर इनके दिल में है. इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जिनके बारे में ये बहुत ज्यादा सोचते हैं. राइट. सो यस गाइस, ये आज की एनर्जीज हैं. कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं. ओके, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखना है. सो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय बाय एंड टेक केयर.